आपको जब पता है कि अनुज अनुपमा के खिलाफ एक चीज नहीं सुनेगा, आप क्यों आर्ग्यू कर रहे थे? और भी तो क्या करूं, मेरा बेटा उसके बच्चों के लिए पलके बिछा कर रहता है और अनुपमा है कि उसके पास छोटी के लिए जरा सा भी वक्त नहीं। Look, who is talking? जो खुद अपने बेटे को अनाथ आश्रम में छोड़कर चली गई थी वो दूसरों पर उंगली उठा रही है। प्लीज अपनी लिमिट में रहो। क्यों? लिमिट क्रॉस करने का हक सिर्फ आप दोनों को है। बड़ी मम्मी के बच्चों के लिए करते हैं तो आप दोनों को भी उन्होंने सड़क पर नहीं छोड़ दिया है। आप दोनों के लिए भी सब कुछ वही करते हैं। लेकिन सब कुछ वही क्यों करे हा? और कोई क्यों कुछ नहीं करता? वैसे तुम तो इस घर में ही होती हो ना, तो जब तुम्हारी माँ शाह हो जाती है तब तुम छोटी को क्यों नहीं संभाल सकती हो? लेकिन नहीं, तुमसे तो ये नहीं होगा ना। मैं कुछ नहीं करती तो आप भी कौन सा सीढ़ियों पे खड़े होकर चांद तारे साफ करती है? सारा दिन बरखांटी के साथ गॉसिप, प्लानिंग, प्लॉटिंग यही करती है। यही है आपका दिनचर्या बस। बदतमीजी तुम्हें विरासत में मिली है क्या? है बदतमीज, अपने पति से भी ऐसे ही बात करती है ये। मेरा भाई दिन भर काम करके आता है फिर इसकी टेंटम झेलता है। और अंकुश अंकल, हाँ वो भी दिन भर काम करते हैं और आपके टेंटम्स झेलते हैं, और आपके टेंटम्स तो मुझसे बहुत ज्यादा है। बाकी तमीज में रहो। माँ ने बड़ों को रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया है? नहीं, वो तो सिर्फ आपने अपने बेटे को सिखाया है। ओह वेट, आप तो अपने बेटे को छोड़कर चली गई थी ना, फिर किस हक से आप दूसरों को पेरेंटिंग का ज्ञान देती रहती हैं? बाकी शट अप, यू शट अप। बाकी अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले उसके लायक बनिए। This girl is just impossible. मुझे छटा बोला, मुझे हद हो गई है। अब हर कोई मेरे बेटे के सर पर सवार होकर नाच रहा है। अब वक्त आ गया है हर किसी को उनकी औकात दिखाने का। एक के बाद एक अगर मैंने सबको मेरे बेटे की जिंदगी से और घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम भी मालती देवी नहीं।